बहुत ही दुख के साथ दोस्तों, मुझे एक चीज आपको बोलना पड़ रहा है। मैंने अपने इतने सालों की लंबे बालों को कट कर लिया है। ट्रस्ट मी गाइस, मजबूरी में मुझे ये चीज करना पड़ा। पर क्यों करना पड़ा वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, पर वो वीडियो के एंड में, क्योंकि अब मेरा बाल इतना छोटा हो गया है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैंने एक चैलेंज लिया है, कुछ महीनों में फिर से मुझे अपने बालों को उतना ही लंबा करना है जितना वो पहले था। और इसीलिए आज मैं बनाऊंगी दुनिया की बेस्ट हेयर ग्रोथ ऑयल, और वो भी घर पर घर के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। तो सबसे पहले ऑयल बनाने के लिए मैं लूंगी एक सूखा प्याज। सूखा प्याज मतलब जो कि ज्यादा कच्चा ना हो। और साथ में हमें और लेना है 3 चम्मच मेथी और 3 चम्मच कलौंजी को। तो प्याज को पहले हमें किसी भी शेप में कट कर लेना है। फिर प्याज, मेथी और कलौंजी, इन तीनों को एक एक करके ग्राइंडर में लेकर इन्हें अच्छे से पीस लेना है। तो आप देख सकते हो तीनों का पेस्ट बहुत अच्छे से बन चुका है। अब नेक्स्ट हमें कढ़ाई लेना होगा, और जिसमें ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको सबसे पहले डाल दो। फिर इसके साथ और एक चीज डालना है, जो है 200 ml नारियल की तेल को। अब इस कढ़ाई को हमें गैस पर रखकर ऑयल को पकाना होगा एकदम धीमी आंच में, चाहे जितने भी समय हमें लगे ना हो, पर हमें एकदम धीमी आंच में इसको बनाना होगा। और इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। तो करीब हमने तेल को 25 मिनट तक पका लिया है, और ये देखो ऑयल का कलर अब कितना अमेजिंग हो गया है। अब गैस को बंद करके ऑयल को ठंडा होने तक वेट करना होगा। और ये देखो दोस्तों, ऑयल हमारा पूरा ठंडा हो चुका है। अब इसको एक कपड़े में डालकर हमें ऐसे इनको छान लेना होगा। देखो कितना प्यारा कलर आया है ऑयल का, पर ये ऑयल अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बस लास्ट में हमें और एक चीज इसमें डालना होगा, जो है 3 से 4 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल। फिर इसे अच्छे से मिलाकर ऑयल को एक जार में भर लेना है, और ये महीनों तक आराम से आपका चल जाएगा। इसको आप रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हो, जिससे ये ऑयल एकदम खराब नहीं होगा। चलो दोस्तों, आपको बताते हैं किस ट्रिक्स को फॉलो करके आपको इस ऑयल को बालों में लगाने से आप जल्दी से जल्दी अपने बालों को रिग्रोथ कर सकते हो। तो जब भी आप इस ऑयल को लगाएंगे, बालों के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ऑयल पहले निकाल लो, और फिर एक बर्तन में ऐसे गर्म पानी में ऑयल को रख दो। इससे ऑयल गर्म हो जाएंगे, और फिर इस गर्म ऑयल को लेकर आप बालों के जड़ों को अच्छे से मालिश करते रहो। ध्यान रखे आपको नेल से नहीं बल्कि उंगलियों से हल्का प्रेशर देते हुए मालिश करना होगा। मैं तो इस तेल को रात को लगाकर ओवरनाइट तक रखना पसंद करूंगी। फिर नेक्स्ट डे मैं अपने बालों को वॉश कर लूंगी। मुझे अपने बालों को जल्दी से जल्दी ग्रो करना है, इसीलिए इस तेल को मैं हफ्ते में 3 से 4 बार तो जरूर लगाऊंगी। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ मुझे क्यों अपने लंबे बालों को कट करना पड़ा। एक्चुअली गाइस, ये मेरा प्रेगनेंसी का 6 मंथ चल रहा है, और बस 7 मंथ शुरू होने वाला है। और इस टाइम मेरा तबीयत ना हर दिन ठीक नहीं रहता है, और इसीलिए मैं अपने बालों का ठीक से केयर नहीं कर पा रही हूँ। आपको तो पता ही है लंबे बालों को खूबसूरत रखने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और इसीलिए मन नहीं चाहते हुए भी मुझे अपने इतने सालों की लंबे लंबे खूबसूरत बालों को कट करना पड़ा मजबूरी। पर चिंता मत करना, मैं बहुत ही जल्दी देखना अपने बालों को फिर से लंबा बना लूंगी, और बस इसी ऑयल को इस्तेमाल करके। तो आपको क्या लगता है, आपको भी मेरे साथ इस ऑयल को बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए? मुझे कमेंट में बताना जरूर।